रुका हुआ है सफर में मगर हौसला परवान पर है, रुका हुआ है सफर में मगर हौसला परवान पर है, अभी उड़ा नहीं है परिंदा मगर नजर आसमान पर है। नमस्कार दोस्तों, मैं उदय सिंह मैथ्स गुरु यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अग्निपथ टेस्ट सीरीज, जिसका डेमो टेस्ट 1 और टेस्ट 2 आपके सामने सोल्यूशन सहित पब्लिकली पेश है। हमने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 50 तक डिस्कशन कर लिया था और इस लेक्चर में हम लोग 51 से लेके 65 तक के प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। इसके बाद हम बाकी डिस्कशन कल करेंगे और कल कोशिश करेंगे कल और परसों में कंप्लीट कर लें। चलिएगा शुरुआत करें आज के इस बेहतरीन सेशन को। उससे पहले अगर आपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे वहां से ज्वाइन कर लें। चलिएगा पिछले 12 वर्षों के प्रश्न पत्रों के हल के लिए आप प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें, पूरे सॉल्यूशन एक शानदार अंदाज में करवा रखें। थैंक यू, आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 51 में हमें मैट्रिक्स दी गई है और इस मैट्रिक्स की हमें रैंक निकालनी है। तो हम रैंक यहां पर दो तरीके से निकाल सकते हैं। हमें मैट्रिक्स दी गई है जो A = 1 3 3 0 0 0 1 2 0। तो देखिए रो को देखते हैं, यहां पे कौन कौन सी हमारे पास नॉन जीरो रो हैं। तो हमारी जो पहली पंक्ति है वो क्या है, नॉन जीरो है ना। सारे एलिमेंट अगर जीरो होंगे तो जीरो होगी, नहीं तो क्या होगी, वो नॉन जीरो होगी। तो पहली वाली पंक्ति नॉन जीरो हो गई, दूसरी वाली पंक्ति के सारे एलिमेंट जीरो हैं, तीसरी वाली पंक्ति के भी सारे एलिमेंट क्या है, मतलब कि एक जीरो है बाकी तो उसे नॉन जीरो ही माना जाएगा, क्या है, नॉन जीरो है। तो अब अगर हम बात करते हैं इसके रैंक की, है ना, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, तो जो इसकी रैंक होगी नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, तो कितनी है हमारे पास, दो है, तो इसकी जो रैंक होगी वो क्या हो जाएगी, दो हो जाएगी। अच्छा दूसरा तरीका, सेकेंड मेथड क्या हो सकता है, सेकेंड मेथड में हमें क्या करना है, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लेनी है। हमें पता है जो इसका डिटरमिनेंट होगा, क्योंकि इसकी एक रो जीरो इसलिए डिटरमिनेंट क्या होगा, जीरो होगा। अब अगर डिटरमिनेंट जीरो आ गया है, ये 3x3 की मैट्रिक्स है, अगर डिटरमिनेंट जीरो आ गया तो हमें सब मैट्रिक्स इसके माइनर निकालने हैं। तो इसके कोई सब मैट्रिक्स अगर सभी जीरो आ जाए, है ना, अगर इसके सभी सब मैट्रिक्स जीरो आ जाए, सभी माइनस जीरो आ जाए, तो इसकी रैंक 1 हो जाएगी। और अगर एक भी सब मैट्रिक जीरो नहीं हुआ, मतलब कि तीन हो जाए, एक ना हो, दो ना हो, लेकिन अगर सभी हो जाएंगे तो रैंक 1, और कम से कम अगर एक भी जीरो नहीं हुआ तो पहले सब मैट्रिक्स इसका निकालते हैं। तो देखिए इसका सब मैट्रिक्स हम, ये वाला जीरो आएगा, ये वाला मैट्रिक्स सब मैट्रिक्स जीरो आएगा, ये भी जीरो आएगा, ये भी जीरो आएगा। अब हम इसके थ्रू खोल रहे हैं, इस वाले जीरो थ्रू खोलेंगे, तो देखो अगर इसके रिस्पेक्ट में खोलेंगे तो 1 3, तो यहां पर एक सब मैट्रिक्स यानी कि माइनर सब मैट्रिक्स, अब ले लीजिए 1 3 1 2, तो देखिए यहां पे आ जाएगा 2 माइनस 3 मतलब कि -1, क्या हो जाएगा, डज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए एक सब मैट्रिक्स इसका जीरो नहीं आया, इसका मतलब क्या है, इसकी जो रैंक हो जाएगी रैंक ऑफ ए हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अच्छा अगर यहां पर दूसरे केस में अगर हमें इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या मिल गई होती, जीरो, अब तो इसका आंसर तो सी हो गया, लेकिन अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 मिलती, अगर ऐसी सिचुएशन होती, इस दशा में जो इसकी रैंक होती वो क्या होती, वो रैंक हो जाती इसकी 3। ठीक है, 3 केस मैंने आपको बताए, रैंक 2 कब होगी, पहले अगर हमारे पास, हम क्या करेंगे, पहले तो डिटरमिनेंट निकाल लेंगे, डिटरमिनेंट निकाल लेंगे तो डिटरमिनेंट अगर उसका 0 आता है, तो जीरो होने के लिए दो केस हमारे सामने बन रहे हैं कि इसके जो सब मैट्रिक्स होंगे, सब मैट्रिक्स अगर सभी जीरो आ जाएं, सभी सब मैट्रिक्स क्या आ जाएं, जीरो आ जाएं, तो इस दशा में रैंक 1 हो जाएगी इसकी 3x3 मैट्रिक्स की। और अगर ये इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 हो तो क्या होगा, रैंक 3 हो जाएगी। यदि डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो और एक भी, कम से कम एक सब मैट्रिक्स जो हो, एक या दो या तीन नॉट इक्वल टू 0 हो, तो रैंक 2 हो जाएगी। तो यहां पे एक सब मैट्रिक्स हमको नॉट इक्वल टू 0 मिला है, यानी कि -1 मिल रहा था, तो नॉट इक्वल टू 0 हो गया, 0 के बराबर नहीं है, तो कौन सा हो गया, सी, यानी कि इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 52 में दिया गया है इंटीग्रेशन 0 to 1 x 1 - x की पावर
99 DX चलेगा। यहां पे हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है 02A FX DX इज इक्वल टू 02A FA-X DX। ये प्रॉपर्टी होती है, अप्लाई कर दीजिए इस प्रॉपर्टी को। यहां पे I इक्वल टू ले लीजिए इसको, I इक्वल टू ये हो जाएगा भैया 0 to 1, x की जगह पे 1-x रखेंगे तो यहां पे 1-x हो जाएगी, और यहां पे 1-x रखेंगे x की जगह पे तो सिर्फ x बचेगा, यानी कि x की पावर में आ जाएगा 99 और ये हो जाएगा x। 99 के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 0 से 1 और हो जाएगा x की पावर 99 माइनस x की पावर में 100, ये हो जाएगा dx। इंटीग्रेशन कर दीजिए, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा x की पावर 100 डिवाइडेड बाई x की पावर 100 था डिवाइडेड बाई, यानी कि n+1 by n+1, x की पावर n+1 by n+1 माइनस x की पावर में कितना हो जाएगा 101 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 101। लिमिट हमारी वही है 0 to 1, 1 के लिए अप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा भाई, 0 के लिए तो 0 ही हो जाएगा, अपर लिमिट अप्लाई कर दीजिए 1/100 माइनस का 1/101 तो कितना आ जाएगा 1/101 और 2 जीरो और आ जाएंगे, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? 52 का ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। 53 में हमसे कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन, लिमिट हमको दी गई 0 से π/4 टेन की पावर 5 d θ। अब देखिए यहां पे ये है टेन की पावर में 5 θ, इसे मेंटेन करते हैं पहले, इसको हम लिख सकते हैं टेन की पावर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब टेन क्यूब थीटा की करो मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा टेन क्यूब थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा माइनस में आ जाएगा टेन क्यूब थीटा, टेन क्यूब थीटा को तोड़ दीजिए, एक आप लिखिए टेन थीटा और दूसरे को लिख दीजिए टेन स्क्वायर थीटा बचा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब करो इसका मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा टेन क्यूब थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा और ये क्या हो जाएगा भैया sec स्क्वायर थीटा और माइनस का टेन थीटा, ठीक है। अब हमें इंटीग्रेशन दिया गया है, इंटीग्रेशन को ले लीजिए क्या है 0 से π/4 रखेंगे हम टेन की पावर में 5 θ d θ इक्वल टू। अब देखिए मैं चाह रहा हूं कि ये इस वाले टर्म में सभी में हमको इंटीग्रेशन अप्लाई करना है, टेन थीटा को टी मान लिया जाए, यहां पे टेन थीटा इज इक्वल टू टी मान लिया जाए तो आपको पता है sec स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा dt हो जाएगा, और लिमिट अप्लाई करेंगे जब 0 रखेंगे तो लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, पाई बाई 4 रखेंगे 1 हो जाएगी, यानी कि इस वाले टर्म के लिए लिमिट जो हो गई 0 से 1 हो गई, और हमने sec स्क्वायर थीटा डी थीटा dt के साथ चला जाएगा और ये कितना बचा tan थीटा को t माने t की पावर 3 बचेगा, यहां क्या बचेगा t की पावर 3 और ये कितना हो जाएगा dt माइनस, सेम यहां पे भी होगा tan थीटा को t माना जाएगा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा dt के साथ एडजस्ट हो जाएगा, यानी कि यहां पे हमारे पास t dt बचा। आगे क्या है, बीच में माइनस है और इंटीग्रेशन है, इसमें हम कुछ नहीं कर रहे, इसमें हमारी वही है 0 से π/4 tan थीटा d थीटा, ठीक है। अच्छा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा t की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस t का हो जाएगा इंटीग्रेशन t² / 2, लिमिट अप्लाई कर रख ली जाए 1 से 0, ठीक है माइनस। अब देखिए ये क्या है, ये लिखा हुआ है tan थीटा और tan थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस cos थीटा होता है, यानी कि ये आ जाएगा प्लस का माइनस का log cos थीटा है ना, तो ये आ जाएगा log cos थीटा, लिमिट रख दीजिए 0 से π/4, ठीक है। अब यहां पे लिमिट अपर लिमिट रख दीजिए, नीचे वाली तो 0 ही कर देगी पूरे को, तो ये आ जाएगा 1/4 माइनस का 1/2 टी की जगह 1 रख दिया प्लस, यहां अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा लॉग कॉस थीटा की जगह पे 45 अंश रखेंगे, कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो ये लॉग √2 हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा, कॉस 0 रखोगे तो ये कॉस थीटा की वैल्यू 1 होती है
है ना, कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है तो लॉग वन हो जाएगा, लॉग वन का मान जीरो ही होता है। एक बटे चार में एक बटे दो को घटाएंगे तो माइनस का एक बटा चार ही बचेगा प्लस। अब समझिए यहां पे ये क्या है, एक बटे ये दिया गया है यहां पे, अरे माइनस का था टेन थीटा, माइनस का टेन थीटा था, टेन थीटा जो था हमारा वो माइनस का टर्म था। एक मिनट, अरे यार यहां पे प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये जब प्लस होगा तो ये प्लस रहेगा और फार्मूले वाला जो माइनस होगा इसे माइनस करेगा और ये फिर ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का रहेगा और ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, साइन का दिक्कत आ गई थी। एक बटे दो, इसे लॉग एम बटे लॉग एन, तो ये क्या लिखा जाएगा, लॉग वन माइनस का लॉग अंडर रूट दो, है ना, ये लिखा जाएगा और उससे माइनस वाला प्लस कर देगा क्योंकि बाहर माइनस है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा लॉग का अंडर रूट दो और बाकी तो सब जीरो ही हो गया, लॉग वन की वैल्यू जीरो होती है, यहाँ पे भी लॉग वन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब कितना आ गया, ये माइनस का एक बट्टा चार प्लस, देखो रूट दो को लिख सकते हो दो की पावर एक बट्टे दो, तो ये एक बट्टे दो लॉग टू हो गया, यानी कि अगर हम इससे एक बट्टे दो कॉमन ले लें और लॉग टू को पहले लिख दें तो माइनस का एक बट्टे दो, यानी कि एक बटे दो इंटू लॉग टू माइनस एक बटे दो, कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा पहला, एक बटे दो लॉग टू माइनस एक बटा दो, यानी कि तिरपन का ए वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। चलेगा, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 54 54 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 में दो तरीके हैं इसे हल करने के, अगर आपको डायरेक्टली आप एक थ्योरम याद कर रखे हैं, डायरेक्टली अगर आप एक थ्योरम याद कर रखे हैं यन एन पी आर प्लस वन, ठीक है, एन पी आर, एन पी आर प्लस आर इंटू एन पी आर माइनस वन इक्वल टू होता है एन प्लस वन पी आर। अगर ये आप याद कर रखे हैं तो डायरेक्ट आप इसका कंपेरिजन कर सकते हैं, है ना, डायरेक्ट ही कंपेयर कर सकते हैं और कंपेयर करके बता सकते हैं कि आर की जगह पे पांच है ना, अगर आपने याद कर रखा है। देखिए कई बार होता है क्या है कि कई चीजें याद करने से भी काम आसान हो जाता है ना, अगर आप इसे याद कर सकते हैं कि एन पी आर प्लस आर इंटू एन पी आर माइनस वन इक्वल टू होता है एन प्लस वन पी आर, तो यहां पे आप डायरेक्ट कंपेरिजन कर सकते हैं कि सर यहां पे ना आर की जो वैल्यू होती है वो फाइव होती है, कितनी होती है, फाइव है ना, यहाँ प्रश्न में आर की वैल्यू फाइव दी गई है और वो सी वाला ऑप्शन करेक्ट मांग रहा है, लेकिन नहीं, कई बार याद करना नहीं है तो फिर क्या करेंगे, नाइन सी फाइव, नाइन पी फाइव का मतलब क्या हुआ, नाइन फैक्टोरियल, है ना, नाइन पी फाइव का मतलब क्या हुआ, नाइन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई नाइन माइनस फाइव का मतलब हो गया फिर फोर, है ना, एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल, बीच में क्या है प्लस और कौन है फाइव इंटू, ये भी हो गया नाइन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई फाइव फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा टेन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई कितना, टेन माइनस का आर फैक्टोरियल, टेन माइनस का आर फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखिएगा, हम चाह रहे हैं कि इसको भी 10 फैक्टोरियल को 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिखा जाए, ऊपर से इधर से 9 फैक्टोरियल कॉमन लिया जाए, इधर से कट जाएगा, यानी कि अब हमारे पास बचने क्या वाला है, 1 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस 5 डिवाइडेड बाई, अब देखो नीचे भी 5 फैक्टोरियल लिखा, हम चाहते हैं 5 फैक्टोरियल का लिखा जाए 5 गुणे 4 फैक्टोरियल, 5 गुणे 4 फैक्टोरियल, चलो इक्वल टू इधर कितना दिया है 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 माइनस कितना, 10 माइनस का आर फैक्टोरियल, 10 माइनस का आर फैक्टोरियल हो गया। अच्छा अब देखिए इस 5 से 5 काट देंगे तो 2 बटे 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, 2 बटे 4 फैक्टोरियल बचा इधर, 2 बटे 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल बटे कितना 10 माइनस आर का फैक्टोरियल, इससे काट दीजिए, अगर हम यहां पे 4 फैक्टोरियल है ना, 2 बटे 4 फैक्टोरियल दिया गया है, 2 बटे 4 फैक्टोरियल है, यहां पे 10 नहीं है बाबू, ये 10 तो हट गया ना फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल को काट दिया हमने, तो ये 2 पंचे 10 हो गया, इसका गुणा करेंगे तो 10 माइनस का आर फैक्टोरियल बराबर कितना आ जाएगा 5 गुणे 4 फैक्टोरियल, 5 के साथ जब इसे मल्टी मेंशन कर देंगे 5 को भी, तो हम इसे लिख सकते हैं कितना 5 फैक्टोरियल, दोनों तरफ कंपेयर करेंगे फैक्टोरियल के अंदर वाली जो संख्याएं हैं वो दोनों बराबर हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा कितना 10 माइनस आर इक्वल टू 5,
यानी कि आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, है ना, आर का मान कितना हो जाएगा 5, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 54 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यह भी करना आसान है, कैलकुलेशन है बस, बाकी कुछ नहीं है, है ना, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर ऑफ द वर्ड पोस्टमैन इफ एवरी वर्ड बिगिन विथ टी एंड एंड विथ एम। प्रत्येक कह रहा टी और एम को निश्चित कर दिया जाए, है ना, फिर पोस्टमैन में जितने अक्षर हमारे सामने बच रहे हैं कौन कौन बचा, देखो पी बचा, ओ बचा, पी, अरे पी हो गया, ओ हो गया, एस हो गया, टी हो गया, ए हो गया। देखिए फर्स्ट और लास्ट वाला जो उनको स्थिर कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया, तो अब जो हम उल्टा सीधा आगे पीछे जो भी कर सकते हैं इन पांच को कर सकते हैं, और पांच चीजों को अरेंज करने के जो हमारे तरीके होते हैं, पांच फैक्टोरियल होते हैं, पांच फैक्टोरियल प्रकार से इन पांच अक्षरों को एडजस्ट किया जा सकता है। यानी कि जो हमारे पास हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर, तो कितने प्रकार से, इन पांच प्रकार से। अब इसमें इसने कहा नहीं, कुछ तो कहा नहीं, रीजनिंग टाइप जैसे कह देता है कि भाई क्या शाब्दिक अर्थ ही बनना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी आप अरेंज करो, तो इन्हें हम, इनको जो अरेंज करने के तरीके होंगे वो पांच फैक्टोरियल होंगे, और पांच फैक्टोरियल प्रकार से इन वर्ड्स को अरेंज किया जा सकता है। यानी कि इतने लेटर, हाउ मेनी वर्ड्स, इतने वर्ड्स हमारे पास अलग अलग वर्ड्स बन जाएंगे। पांच फैक्टोरियल का मतलब सभी समझते हैं, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 5 × 20 = 60 × 120। कितने, 100, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, मतलब कि 120 वर्ड बनाए जा सकते हैं अगर इस तरह का सिस्टम फॉलो अप किया गया तो। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि हाउ मेनी वेज अ गारलैंड कैन बी मेड बाई यूजिंग 15 डिफरेंट फ्लावर। कह रहा 15 डिफरेंट फ्लावर्स को मिला करके कितने प्रकार से इनको अरेंजमेंट किया जा सकता है। अब देखिएगा 15 है हमारे पास, 15 है तो एक को तो हम फिक्स कर देंगे, है ना। तो जब भी हमारे पास ऐसी सिचुएशन होती है, यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज किसी में कोई विभेद ना हो, तो इस प्रकार जो हमारे टोटल अरेंजमेंट होते हैं, जो टोटल वेज होंगे वो क्या होंगे, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है कितना, n माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। तो n कितना दिया गया है, 15, 15 में एक गए 14 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2, कितना हो जाएगा ये 14 × 13 फैक्टोरियल कर दें इसको, बटे में 2 है, 2 से काट दिया जाए, 7 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 7 × 13 फैक्टोरियल। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन, 56 का सी ऑप्शन, 56 का जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 57 की तरफ, कह रहा है अ लेडी इज स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ अ बेगर्स होम, एक महिला है भिखारी के घर के सामने खड़ी है, हैविंग 3 10 पैसे, मतलब कि जो 10 पैसे के सिक्के हैं उनके पास, वो जो एक प्रकार की वस्तुएं हैं 10 पैसे के, 3 10 पैसे क्वाइन, तो 10 पैसे के कितने सिक्के हैं, 3, 10 पैसे के 3 सिक्के हैं, और 4 25 पैसे क्वाइंस, 25 पैसे के जो क्वाइंस हैं ऐसे 4 क्वाइंस हैं हमारे पास, एंड 250 पैसे क्वाइंस, 2 जो है 50 पैसे के क्वाइंस हैं। अच्छा ठीक है, हमसे कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन सी गिफ्ट्स दोज टू 9 बेगर्स, 9 भिखारियों को वो कितने प्रकार से दे सकती है। अब तो ये तो सिंपल सी बात हो गई, जो हमारे पास गेट ओनली 1 क्वाइन, एक एक क्वाइन देना है, तो इसके जो वेज हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 1 तो 9 फैक्टोरियल हो जाएंगे, ठीक है, टोटल कितने हैं, 4 4 3 7 2 9, टोटल 9 फैक्टोरियल हो गए, और जो रिपीटेशन है उससे भाग दे देते हैं, तो देखिए 10 पैसे के 3 सिक्के हैं तो 3 से डिवाइड मारो, 4 पैसे के कितने सिक्के हैं, 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो 4 से डिवाइड मारो, ठीक है 4 से डिवाइड मारे, 4 फैक्टोरियल से डिवाइड मार दिया। अरे वो देखा नहीं आपने, पी प्रकार की वस्तुएं होती हैं उनमें से क्यू आर और एस ली जाए तो पी फैक्टोरियल बटे क्यू फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एस फैक्टोरियल, है ना, जो रिपीटेशन होती हैं उनको भाग दे देते हैं, जैसे भी एक बात करते हैं, रुकिएगा, ये 2 फैक्टोरियल हो गया, पहले इन्हें सॉल्व कर दें, है ना, ये इसको 9 इंटू
एट इंटू सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव, और आगे फाइव फैक्टोरियल फोर फैक्टोरियल आएगा, फोर फैक्टोरियल से फोर फैक्टोरियल कट जाएगा, डिवाइडेड बाई थ्री इंटू टू इंटू वन, और ये भी हो जाएगा टू इंटू वन, है ना। छः से तो इसको काट दीजिए, दो से इसको काट दीजिए, कितना बचा ये चार, ये कितना हो गया छत्तीस गुड़े पैंतीस, है ना। तो कितना हो जाएगा ये, ये हो जाएगा हमारे पास छत्तीस गुड़े पैंतीस, गुणा कर लेंगे तो गुणा करने के में आ जाएगा 1260, है ना। ये कितना आ जाएगा 1260, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 57 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। अच्छा, जैसे कि एक टाइप का क्वेश्चन हम लोग पढ़ते थे कि शब्द इंडिया में बनने वाले कर्मचारियों की संख्या, है ना, शब्द इंडिया में बनने वाले कर्मचारियों की संख्या। तो देखिए, शब्द में बनने वाले कर्मचारियों की संख्या इंडिया में क्या होगी, पहले तो पांच फैक्टोरियल हो गए ये टोटल, ठीक है। इसमें जो रिपीटिशन होगा उनको हटा देंगे, तो रिपीटिशन कितने का है, टू से, टू का रिपीटिशन है ना। देखो आई और आई दो बार आए हुए हैं, दो बार आए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, आई जितनी बार दो बार है दो से हमने भाग दे दिया। तो इतने प्रकार से इंडिया के शब्दों को अरेंज किया जा सकता है ना, इंडिया शब्द से बनने वाले शब्दों को, शब्द इंडिया में जितने भी कर्मचारी बन सकते हैं वो क्या हो जाएंगे, पांच फैक्टोरियल बटे दो फैक्टोरियल, है ना। पांच कितना हो जाएगा, पांच कूड़े तीन, दो फैक्टोरियल कट जाएगा, पांच तीन पंद्रह आ जाएगा टोटल, है ना, टोटल पंद्रह, ठीक है। मेरी बात समझ में आई होगी, चलिए आगे बढ़ेंगे। 58 में ये रिलेशन हमें निकालना है, और यहाँ पे है ये शायद एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है, है ना, ये ए स्क्वायर है यहाँ पे, ये पेपर में त्रुटि थी, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, मेरी बात को समझिएगा, हमें निकालना है यहाँ पे। हम चाह रहे हैं यहाँ पे एक काम पहले ये कर लिया जाए, क्योंकि आंसर में ए और बी का कोई रोल नहीं है, तो ए और बी बराबर हम वन ले रहे हैं, ठीक है, ए और बी बराबर वन ले रहे हैं। मतलब हमें प्रूफ क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई कॉस अल्फा प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें यहां पे निकालनी है। आइए करते हैं यहां पे काम। देखिए कॉस इनवर्स एक्स माइनस प्लस कॉस इनवर्स वाई, और कॉस इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स वाई का आपको फार्मूला पता है, कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स कितना हो जाता है ये एक्स वाई माइनस रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में वन माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा कितना अल्फा, तो ये कॉस अल्फा आ जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि कॉस अल्फा बराबर आ गया कितना, ये आ जाएगा एक्स वाई तो यहाँ रहेगी, अच्छा कॉस अल्फा उधर जाएगा, हम चाहेंगे कॉस अल्फा को आप इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा माइनस का कॉस अल्फा, और देखो यहाँ माइनस का रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस वाई स्क्वायर, इसको उधर ले जाओ, उधर ले जाएंगे तो ये प्लस में जाएगा, और रूट के अंदर जो संख्याएं लिखी इनका मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएगा वन माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए जिससे कि वर्गमूल हटाया जा सके, है ना। तो ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस, नहीं नहीं माइनस हो जाएगा ना, टू ए बी माइनस टू ए बी टू एक्स वाई कॉस अल्फा इक्वल टू वन माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। बाकी सबको इधर उठा लीजिए, सबको इधर ही उठा लीजिए, वन को छोड़ देना उधर, एक्स स्क्वायर को उठा लो प्लस का वाई स्क्वायर उठा लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का टू एक्स वाई कॉस अल्फा उठा लीजिए, इक्वल टू आ जाएगा वन माइनस इधर से कॉस स्क्वायर अल्फा को उधर भेज दो, वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होती है, पहली सर्व सम क्या से साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर होती है, इसी की हमें वैल्यू निकालनी थी। अगर हम इस प्रश्न में ए की जगह पे वन रख दें तो एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस का ए और बी दोनों की जगह पर वन रखना है तो टू एक्स वाई कॉस अल्फा, और प्लस का हो जाएगा बी की जगह पे भी वन, तो हमें वैल्यू निकालनी थी किसकी, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई कॉस अल्फा प्लस वाई स्क्वायर की, और ये वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई है कितनी, साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 58 में ऑप्शन सही हो जाएगा सी, है ना, 58 का ऑप्शन सही हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ, देखिएगा
क्वेश्चन नंबर 59 आपके सामने है, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू पाई बाई 4, देन x इज इक्वल टू, अब देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगेगा तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई, तो आ जाएगा tan इनवर्स कितना 2x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 1 माइनस, तीन दुनी हो जाएगा 6x स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई 4 यानी 45 अंश। अच्छा फिर कितना हो गया भैया, ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 5x बटे में 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू tan 45, tan पाई बाई 4 का मतलब tan 45, तो ये फिर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x बटे में 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 माइनस 6x स्क्वायर सबको इधर ही ले आना, तो ये आ जाएगा प्लस का आ जाएगा 6x स्क्वायर, माइनस का प्लस का तो अपने पास 5x इधर है ही है पहले से, माइनस का 1 इक्वल टू 0, चलिए करेंगे फैक्टर इसके, 6x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का x माइनस 1 इक्वल टू 0, 6x इसमें कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 बचेगा, माइनस का 1 कॉमन लेंगे x प्लस 1 बचेगा इक्वल टू आ जाएगा 0, एक फैक्टर हो जाएगा इसका x प्लस 1, दूसरा फैक्टर हो जाएगा इसका 6x माइनस 1 इक्वल टू 0, दोनों को अलग अलग 0 करेंगे, x की वैल्यू एक मिलेगी हमको माइनस का 1, दूसरी मिल जाएगी 1/6, कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला ऑप्शन 59 का ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिएगा आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ, देखिएगा 60 में कह रहा है कि रूट में दिया गया है, अच्छा हम एक काम करना चाहते हैं, हम बाद में देखेंगे कि थीटा कहाँ लाई कर रहा है, समझते हैं थीटा लाई कर रहा है कहाँ पे, देखते हैं ऊपर देखिएगा, ऊपर जब हम एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, इसका जो एलसीएम आएगा वो एक ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, अच्छा डिवाइड के ऊपर आ जाओ, ये 1 माइनस साइन थीटा का मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो ऊपर बनेगा हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा, ठीक, प्लस और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बनेगा, रूट हट जाएगा तो 1 प्लस साइन थीटा बन जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा दोनों कैंसिल हो गए, ऊपर कितना बचा 2 अपान रूट के अंदर एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, 1 का इस ए प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कि जब वर्गमूल निकल के आएगा प्लस माइनस कॉस थीटा निकल के आएगा, प्लस माइनस कॉस थीटा यानी वैल्यू आएगी इसकी प्लस माइनस 2 sec थीटा। अब थीटा कहां पे लाई करता है, थीटा कह रहा है थीटा इज लाई इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, और आपको पता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन, साइन और उसका साथी कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसके अलावा सभी नेगेटिव होते हैं, अगर थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो माइनस का 2 sec थीटा जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 60 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 60 का जो बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा, माइनस 2 sec थीटा। आगे बढ़ेंगे 61 की तरफ, 61 में कह रहा है कि एक गोलाकार गुब्बारा जिसकी त्रिज्या ए प्रेक्षक ए के नेत्र पर थीटा कोण डालता है, चलिएगा पहले हम बनाते हैं एक गोलाकार गुब्बारा, यह है एक गोलाकार गुब्बारा और यहां पे है हमारे पास प्रेक्षक, यहां पे है प्रेक्षक, यहां पे है प्रेक्षक, प्रेक्षक की आंख पे है ना, आंख पे एक मिनट, आंख पे प्रेक्षक की आंख पे ये और ये जो गुब्बारा है वो कितने का कोण बनाता है, वो थीटा का कोण बनाता है, ठीक है, ये वाला कोण कितना है पूरा, ये जो कोण है वो थीटा है। उसके बाद इसमें एक बात हमको और बताई गई है ना, बात यह बताई गई है कि इसका जो केंद्र है, ठीक है, अच्छा ए त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है इसकी, ए है, त्रिज्या ए है,
त्रिज्या मान लो यहाँ पे छू रही है, त्रिज्या इसकी ए है, ठीक है, और ये भी त्रिज्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। पॉइंट्स के नाम दे देते हैं, इसका नाम ए दे दो और इसका नाम सी दे दो और इसका नाम बी दे दो और यहाँ पे सेंटर है ओ दे दो। अच्छा, एक बात छोटी सी, हमें पता है कि ये पॉइंट्स को हम त्रिज्या वो भी थी, हम यहाँ पे मिला देते हैं। अच्छा, यहाँ मिलाएंगे त्रिज्या स्पर्श रेखा पे तो लंब होती होती है ना, एक ये त्रिज्या हो गई सी पॉइंट पे स्पर्श रेखा, यहाँ पे 90 अंश का कोण बना रही। अच्छा, एक पॉइंट इसको क्षैतिज के साथ मिलाया जाए, क्षैतिज के साथ यानी कि ए बिंदु से जो क्षैतिज के साथ बिंदु मिलाएंगे, ये हम कुछ ऐसे मिलाते हैं, ये हमारा डी है, ये हम क्षैतिज मान के चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एकदम सीधा है, क्षैतिज है, ये भी 90 अंश का कोण यहाँ पे बन रहा है, आप इसे मिला लीजिए, ठीक है। और कह रहा है जो क्षैतिज के साथ कोण है, गुब्बारे के केंद्र का उन्नयन कोण फाई है, कहां से उन्नयन कोण का मतलब क्या है, क्षैतिज से, ये धरातल है, एडी जो है वो क्या है, धरातल है, जमीन है, ये क्या है भाई, फाई है। अच्छा, अब थोड़ी देर के लिए अगर हम बात करें तो देखिए यहां पे ए बी जो चीजें होंगी, कौन सा त्रिभुज ओ ए डी उठा लीजिए, त्रिभुज ए, कौन सा, दो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी ओ सर्वांगसम है, किसके, त्रिभुज ए सी ओ, त्रिभुज ए सी ओ, ए बी ओ और ए सी ओ जो है दोनों क्या है, सर्वांगसम है, सर्वांगसम है। तो हमें एक बात पता है कि देखो इस दौरान ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये कोण और ये कोण, दोनों कोण बराबर होते हैं, और ये दोनों कोण कितना दिया गया है, दोनों योग थीटा दिया गया है, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहां पे कोण जो है कौन सा, बी ए सी, कोण बी ए सी, प्लीज स्टॉप फैन, कोण बी ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, दो कोण बी ए ओ, ठीक है, बी ए ओ डबल होता है, दोनों बराबर होते हैं तो डबल भी हो जाएगा भाई, टोना टोटल कोण जो बी ए सी कोण है हमारा, बी ए सी किसका होगा, इसका डबल होगा, बी ए सी क्या दिया गया, थीटा, थीटा इक्वल टू दिया गया है टू कोण बी ए ओ, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो बी ए ओ है, कोण बी ए ओ बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बाई टू, कितना हो जाएगा ये, थीटा बाई टू। अच्छा, अब अगर हम इस त्रिभुज में आ जाएं, कौन से, ये थीटा बाई टू ले लें, कोण बी ए ओ त्रिभुज ले लो यहां पे, साइन थीटा बाई टू, भैया ये पूरा थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, तो थीटा हो गया ये। अगर हम इसमें लगा लें, ये 90 अंश का दिया गया है और ये हमारी त्रिज्या है, तो हम यहां से ए ओ में रिलेशन चाह रहे हैं, तो देखिए ये थीटा है ना, थीटा बाई टू, तो साइन थीटा बाई टू, ये एंगल थीटा बाई टू है, थीटा बाई टू बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है, सामने लंब हो जाएगा ए, कितना हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, लंब की लंबाई ओ ए, कर्ण कितना है ए ओ, ए ओ, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो ए ओ इक्वल टू आ जाएगा ए बटे साइन थीटा बाई टू, यानी कि ए कॉसेक थीटा बाई टू, ए कॉसेक थीटा बाई टू। अब आ जाओ त्रिभुज ओ ए डी में, त्रिभुज ओ ए डी में, ठीक है। देखिए गुब्बारा बना रहा था, धरातल हमारा यहां पे है, थोड़ा तिरछा है, इसको और वैसे बनाना चाहिए था, तो धरातल, लेकिन हमारे कहां पे है, एडी धरातल है, और धरातल से ही देखने पे ये कोण बनता है उन्नयन कोण फाई बन रहा है, और जो गुब्बारा है मनुष्य की आंख पे थीटा का कोण बना रहा है, बस इतना है और कुछ नहीं है इस प्रश्न में। ओ एडी उठा लीजिए, ओ एडी में साइन फाई ले लो, साइन फाई लंब बटे कर्ण, लंब कौन सी भुजा है यहां पे, ओडी, इस त्रिभुज में ओ एडी में लंब कौन सी है भैया, ओडी, यही ऊंचाई तो हमको निकालनी है, यही तो ऊंचाई निकाली है, गुब्बारे के केंद्र की ऊंचाई, गुब्बारे के केंद्र की ऊंचाई, तो गुब्बारे का केंद्र कितना ऊंचा है, ओडी ही तो बताएगा, ओडी बटे कर्ण, कर्ण तो ए ओ ही है, क्योंकि ये भी 90 अंश का कोण बनाता है, देखो इसका भी कर्ण वही है और इसका कर्ण भी वही है, कोई बात नहीं, ओडी बराबर कितना हो जाएगा भाई, ओडी ऊंचाई, ओडी बराबर क्या हो जाएगा, ए ओ साइन फाई, ए ओ कितना दिया गया है, ए कॉसेक थीटा बाई टू और ये साइन फाई, कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ए साइन फाई कॉसेक थीटा बाई टू, कॉसेक थीटा बाई टू ये वाला सही हो रहा है ना,
सी 61 का सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। 62 में हमसे कह रहा है कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ द टेन थीटा प्लस ये दिया गया है, इस वाले टर्म को उधर भेज दिया जाए तो ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस टेन टू थीटा इक्वल टू वन माइनस टेन थीटा और टेन टू थीटा। ये टेन थीटा टू थीटा को हमने उधर भेज दिया तो ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस टेन टू थीटा डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन थीटा टेन टू थीटा, और यहां पे कितना बचेगा वन। देखिए टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन ए, टेन बी बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये टेन ए प्लस बी का फार्मूला है, इक्वल टू वन है, तो वन का मतलब क्या हुआ कि पाई बाई फोर यानी कि 45 का मान होता है, तो ये आ जाएगा टेन थ्री थीटा बराबर टेन पाई बाई फोर। थ्री थीटा बराबर जनरल सॉल्यूशन इसका क्या होता है, एन पाई प्लस अल्फा यानी कि पाई बाई फोर। थीटा बराबर कितना आ जाएगा, ये थीटा बराबर आ जाएगा एक बट्टा तीन, पाई वहां से कॉमन ले लो, पाई भी कॉमन लो, तीन तो डिवाइड में आ जाएगा, ये आ जाएगा एन प्लस एक बट्टा चार। कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, 62 यानी कि 62 का सी ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। अब देखिएगा यहां पे बी टेन थीटा इज इक्वल टू ए दिया है, बी टेन थीटा इक्वल टू ए, यानी कि यहां से हम ये कह सकते हैं कि इसने दिया क्या है कि टेन थीटा इक्वल टू दिया है ए बाई बी, ए बटा बी, बी को इधर डिवाइड में ले आओ। ऊपर हम चाह रहे हैं कि ऊपर से कॉस थीटा कॉमन लिया जाए, ऊपर से कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो यहां कॉस है नहीं तो डिवाइड में जाएगा, ए इंटू साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा ए टेन थीटा, ए टेन थीटा माइनस का बी बनेगा, कॉस थीटा तो कॉमन में निकल गया, डिवाइडेड बाई, और सेम काम नीचे भी करना, कॉस थीटा आप कॉमन लीजिए, लेंगे कॉमन तो ये बनेगा ए टेन थीटा प्लस बी, कॉस थीटा से कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए, टेन थीटा की जगह पर रखना है ए बाई बी, तो ये ए इंटू ए बाई बी माइनस का बी डिवाइडेड बाई ए इंटू ए बाई बी प्लस का बी। अच्छा अब ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा, बट्टे में आ गया बी, बड़ा सा बट्टा लगाओ, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, बट्टा बी लगा दो, काट दो बी से बी, ऊपर कितना बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे कितना बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन आ गया, सी वाला ऑप्शन जो है 63 का सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64 में हमसे कहा गया कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, ठीक है, हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, साइन 2a प्लस साइन 2b की, है ना, वैल्यू निकालनी है। साइन c प्लस साइन d का फार्मूला लगाएंगे, 2 इंटू साइन c प्लस d बटे दो, 2 इंटू साइन c प्लस d बटे दो यानी कि 2a प्लस 2b बटे दो, यानी कि बचेगा क्या, 2 लेंगे कॉमन यानी कि a प्लस b, और cos c माइनस डी बटे दो यानी कि 2a माइनस 2b बटे दो, दो कॉमन लेंगे तो cos का a माइनस b बचेगा, और a प्लस b की जगह पे आप रख सकते हो पाई माइनस c, क्या रख सकते हैं यहां से पाई माइनस c, 2 इंटू साइन पाई माइनस सी, ए प्लस बी की जगह क्या रख सकते हैं पाई माइनस सी, और कॉस यहां तो कुछ कर नहीं सकते, इसको चुपचाप रहने दिया जाए, पड़ा रहने दो। साइन 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही होता है, साइन ही रहता है पाई के साथ, तो साइन सी, और ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी। कौन सा ऑप्शन सही हो रहा भैया, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, 64 का सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। कह रहा था जनरेटर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप, एक साइक्लिक ग्रुप दिया गया है हमको, और कह रहा है कि इसका जो जनरेटर है ये ए ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4 ए की पावर 5 ए की पावर 6 इज इक्वल टू ई, एक बात दी गई ए की पावर 6 इज इक्वल टू ई, यानी कि
यहां पे हमें दिया गया है a की पावर 6 इज इक्वल टू क्या मिल रहा है हमको, आइडेंटिटी मिल रही है ना। और हमें क्या चाहिए, ऑर्डर ऑफ a की पावर 5, a की पावर 5 का ऑर्डर चाहिए। तो देखिएगा a की पावर 5 में ऐसा क्या करें जिससे हमें आइडेंटिटी मिल जाए। तो a की पावर 5 और 6 का हमें दिया है कि आइडेंटिटी है ना, a की पावर 6, तो हम यहां पे a की पावर 6 बनाने की कोशिश करेंगे और वो तभी बनेगा जब इसकी पावर में 6 लिया जाए। तो ले लेते हैं इसकी पावर में 6 है ना, a की पावर 5 में 6 लेंगे और फिर इनका इंटरचेंज कर दीजिए, इनको a की पावर 6 और ये पावर को 5 ले लीजिए, कोई मतलब नहीं है ना। 6 × 5 = 30 तब भी होता है, तो कितना हो जाएगा, और a की पावर 6 की जो आइडेंटिटी दी गई है वो कितनी दी गई है, e दी गई है ना। यानी कि ये हो जाएगा हमारा ऑर्डर ऑफ a की पावर 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 करने पे a की पावर 6 की आइडेंटिटी e आई है। अब देखिएगा ऑर्डर ऑफ अगर a मानता तो a में क्या किया जाए, पावर 6 लगाई जाए तभी तो आइडेंटिटी मिलेगी। तो ऑर्डर ऑफ a कितना हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ 2, अब 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आ जाए, 3, तो इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, 3। इसमें क्या मल्टीप्लाई किया जाए, 2, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाए, मल्टीप्लाई करें सॉरी क्या करेंगे, अगर इसमें हम क्या मल्टीप्लाई कर दें, 2 का मल्टीप्लाई, इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। इसमें क्या मल्टीप्लाई किया जाए, 3 है ना, 12 बन जाएगा और ई बन जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो सबके ऑर्डर इस तरह से निकाले जा सकते हैं। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन सही हो गया भाई साहब, 65 का बी ऑप्शन जो होगा, 65 का ए करने पे आया ना, ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक और हम आगे डिस्कस करेंगे कल, ठीक है, चलेगा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।